वेडिंग बिजनेस का ना एक डार्क ट्रुथ बताता हूँ आपको वेडिंग इकलौता ऐसा बिजनेस है आप जितने पुराने होते जाते हो उतने हल्के होते जाते हो हल्के सेंस जैसे मान के चलिए अब एक प्री वेडिंग है मैं आज के डेट में फोर्टी इयर्स हूँ ठीक है आज के अगर मैं आज से दस साल की बात करूँ दस साल की बात की बात करूँ और अगर मैं प्री वेडिंग शूट करने जाऊँ मुझे प्री वेडिंग नहीं मिलेगा ऐसा नहीं प्री वेडिंग मिल जाएगा लेकिन मेरा आउटपुट एक थर्टी ईयर वाले फोटोग्राफर से कभी भी अच्छा नहीं आ पाएगा उसका रीज़न बताता हूँ मान के चलते हैं कि मैं पचास पचपन साल का एक ओल्ड एज मैन हूँ कितना भी स्ट्रॉन्ग हूँ कितना भी अच्छा दिखता हूँ कितना भी अच्छा गुड लुकिंग हूँ लेकिन अगर मैं क्लाइंट को बोलूँगा आप दोनों आइए और एक दूसरे को किस करिए मेरे सामने कभी किस नहीं करेंगे उनको उनका पाप दिख जाएगा हाई एवरी वन वेलकम टू थिंक लाउड एंड आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक बहुत ही फेमस वेडिंग फोटोग्राफर है जिनका नाम है राजा अवस्थी। वेडिंग फोटोग्राफी से लेकर जितनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पॉसिबल हो सकती थी ना वो सब आपको इस एक पॉडकास्ट में मिलने वाली है एंड स्पेशली अगर आप अभी वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाह रहे हो सो तो आपके लिए पॉडकास्ट बिल्कुल मस्ट है इन्होंने अपना 20 साल का पूरा एक्सपीरियंस इस पॉडकास्ट में शेयर किया है so, सो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज आपको वेडिंग के बारे में मिलने वाला है इस पॉडकास्ट में सो मेक श्योर आप पूरा पॉडकास्ट जरूर से सुने टाइम लेट्स गेट स्टार्ट स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर इतने छोटे चैनल पुला के कैसा लग रहा है आपको <laughs> यार चैनल छोटा बड़ा नहीं होता मेन चीज़ होता है कि आपकी सोच क्या है अगर आपकी सोच अच्छी है दिन सब कुछ अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्पेशली आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा है अरे थैंक यू सो मच सर सो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि आप अपने फोटोग्राफी कैसे स्टार्ट करी और क्योंकि आपका एक्सपर्टीज है वेडिंग फोटोग्राफी तो जो लोग भी वेडिंग फोटोग्राफी करना चाहते हैं उनको एक थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी प्लस एक बिहाइंड द सीन मिल जाएगा कैसे लाइव रहती है फोटोग्राफर्स की बिल्कुल सो so, आपने कब स्टार्ट किया था फोटोग्राफ़ी मैंने दो हज़ार सात से स्टार्ट किया था दो हज़ार सात से पहले मेरा दुसरा... पहले आपकी एज क्या है आप मतलब मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ अभी अभी मैं फोर्टी ईयर्स का हूँ चालीस साल एज है मेरी और दो हज़ार सात में मैंने स्टार्ट किया था दो हजार सात से मैंने उससे पहले मेरा सी डी कैसेट का काम था सी डी कैसेट वगैरह जो होते हैं ना वेडिंग जो कैसेट होती है वो नहीं 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 आ, फिल्मों की जो अच्छा, अच्छा सीडी अच्छा, लाइब्रेरी होती है ना उसका काम था मेरा पहले अच्छा जो बेचते हाँ थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ वो ड्रॉप होता गया जब वो ड्रॉप होता गया तो मुझे लगा कि कुछ तो ऐसा बिजनेस लें जो थोड़ा लॉन्ग टर्म चल सके तो उसी समय मुझे किसी से पता चला कि यार ये भी काम ठीक ठाक है मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था फोटोग्राफी में अच्छा और मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ इसमें आया भी था बस मैं ये इसलिए आया था कि मेरी ठीक ठाक अर्निंग हो जाए और मेरा काम चल जाए दो में आने के बाद फिर इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता गया तो आपने सीखा से फिर कहा दो हजार सात में जब मैं इस लाइन में आया था तो उस समय सीखने के लिए ऐसा था कि कोई ऑनलाइन और, प्लेटफॉर्म उस समय हुआ नहीं करता था यूट्यूब उस समय लगभग नहीं था एक तरीके से तो उस समय मैं लोगों के पास जाता तो काफ़ी लोग बोलते कि यार हम सिखाते नहीं हैं उस समय सीखना थोड़ा कठिन था तो 2007, 2008 और 2009 और 2010 और 2011 ये पाँच साल में काफ़ी स्ट्रगल किया और 2011 तक तो थोड़ा बहुत YouTube वगैरह आ चुका था तो थोड़ा बहुत देखना लेकिन उस समय समय क्रिएटर्स क्रिएटर्स नहीं नहीं थे नहीं थे दूसरी ये थी कि काफी महंगा हुआ करता था उस समय जियो का चलन था नहीं। तो 2012 में मैं पहली बार तो राजस्थान में, में कपिल चौबेसा जी जो है उनसे मैंने पहली बार फाइव डेज का वर्कशॉप लिया था और उसके बाद फिर मैं बहुत सारे वर्कशॉप करता गया तो कर आपने नहीं नहीं उस समय उस समय डी जस्ट नया नया आया था तो मेरा जो पहला कैमरा था वो कोडेक का आता था कू, सॉरी कूलपिक्स आता था कुल पिक हाँ वो वो कैमरा मैंने फर्स्ट टाइम लिया था और मेरी स्टार्टअप मेरा जो स्टार्टअप था वो फोटो से नहीं वीडियो से हुआ था अच्छा तो उस समय थ्री सीसीडी कैमरा आता था पैनासोनी का वो मैंने पहली बार परचेस किया वो जो बड़ा सा कैमरा करते नहीं नहीं वो छोटा था मतलब एक बड़ा आता था हाँ हैंडी कैम टाइप का आता था तो थ्री सी पहली बार आया था वहीं उसी से मैंने स्टार्ट किया था अच्छा तो अब आप शिफ्ट कर चुके हैं पूरा मेरे पे पर हाँ अभी तो मैं पूरा मतलब पूरा आसान लगता है मतलब एक एक जमा था वो फिल्म वाला कैमरा यार बड़ा स, म, मुझे समझ में नहीं आता कि जर्नी कैसे फटाफट चलती गई मेन क्या था कि जैसे जैसे आप लर्न करते जाते हो चीज़ें इजी हो जाती है और फिर आपको लगता है कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अभी तो आपको क्या लगता है क्या चेंज हो गया फोटोग्राफी में उस टाइम से लेके दो से अब आई थिंक पंद्रह बीस साल हो चुके हैं अगर मैं वेडिंग फ़ोटोग्राफी की बात करूं क्योंकि मैं बेसिकली वेडिंग फोटोग्राफी आपने था। था। स्टार्ट वेडिंग से ही किया था हाँ मैंने स्टार्ट ही वेडिंग से ही किया था और मैं अगर वेडिंग फोटोग्राफी की बात करूं तो बहुत सैनरी चेंज है पहले जो था बहुत सिंपल वे पे शूट होता था हम फोटो शूट करते थे और उसको सिंपली हम खुद ही एडिट करते थे खुद ही सिलेक्शन करते थे फोटो को आज बहुत सैनरियो चेंज है आज लोग फ़ोटो शूट करते हैं फिर क्लाइंट को देते हैं फिर क्लाइंट फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं फिर एडिट होता है फिर उसके बाद फाइनलाइज़ होता है फिर उसके बाद फिर जाके प्रिंट होता है तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया पहले से भी अच्छा सो so, आपने जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे कंपटीशन में तो बहुत कम होगा फोटोग्राफ़ी में बहुत कम ही लोग होंगे प्लस उस टाइम पे मेरे ख्याल से ऐसा, <coughs> ऐसा बोलते थे यार फोटोग्राफी थोड़ा सा ऐसा छोटा काम मतलब ऐसे बोलते हैं अरे ये तो शादियों में फोटो खींचेगा हाँ हाँ अब आई थिंक थोड़ा सा इसको लोग आर्ट समझने लगे कि हाँ ये एक आर्ट है फोटोग्राफी अभी भी ना मतलब पहले तो ये था ही था कि यार शादी में फोटो खींच रहा मतलब उसका कोई वैल्यू विशेष था नहीं और अभी भी ना बहुत कम तबके में अगर आप एक बड़े लेवल पर जाते हैं तो आपको एक एज एन आर्टिस्ट देखा जाता है लेकिन Majority. अगर आप अभी मेजॉरिटी वही है कि लोग यही देखते हैं कि नहीं यार आप कि फोटोग्राफर है क्या करेगा वेडिंग का काम कर रहा है इसका कोई स्कोप नहीं है mm -hmm. इवन अगर आप छोटे एरिया में जाओगे ना तो कई बार तो ये होता है कि लोग आपको अगर आपकी शादी होनी तो ये पूछते हैं कि अगर आप फोटोग्राफर हो तो आपको शादी में आपको लड़कियाँ नहीं मिलती है, भी होता है। <laughs> 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 पर आप तो मैरिड हो हाँ मैं मैरिड हूँ मैं अच्छा एक अच्छी बात है कि जब मैं वेडिंग मेरी वेडिंग हो रही थी ना उससे पहले मैं एज अ फोटोग्राफर मुझे सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था मेरा उस समय इंस्टीट्यूट भी था कंप्यूटर अच्छा। सेंटर भी हुआ करता था तो मेरे दो काम थे तो कंप्यूटर सेंटर के चक्कर में मुझे लड़की मिल गई थी तो आपने वहाँ पे वो बताया मैं कंप्यूटर सेंटर चला जो था उस समय वही था कि मैं कंप्यूटर सेंटर चलाता हूँ तो इस बेस पे आपकी शादी हो गई हाँ, मतलब फोटोग्राफी के बेस पे फोटोग्राफी भी मुश्किल था मुझे नहीं लगता कि फोटोग्राफी बेस होता तो मुझे इतनी अच्छी लड़की मिलती तो हमारा तो फिर मुश्किल ही है नहीं नहीं ऐसा नहीं आप अभी आपका जो सेगमेंट है वो फोटोग्राफर के साथ साथ कंटेंट क्रिएटर का भी है तो वो हाँ। डिपेंड करता है कि अब लोग थोड़ा समझने लग गए हैं लेकिन कंटेंट क्रिएटर का एक बहुत अच्छा एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं संदीप नाम है उनका बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है उनका वो एक गाँव से बिलोंग करते हैं तो क्या होता है कि उनकी शादी की बात भी पिछले साल की बात है उनको तीन साल से लड़कियाँ नहीं मिल रही थी वो जहाँ भी जाते थे तो उनको पूछा जाता था कि आप क्या करते हैं तो बोलते थे कि मैं यूट्यूबर हूँ तो बोलता था फिर ठीक हाँ, है ये क्या चीज है क्योंकि गाँव में ये सब चीज ना पता नहीं होता खासकर जो बुजुर्ग होते हैं उनको तो और भी नहीं पता होता तो फिर उनसे उनका इनकम पूछते थे अब चूंकि उनका चैनल बहुत बड़ा है तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज होती थी वो बता रहे थे कि मैं लगभग चार पांच लाख रुपए अर्न करता हूँ तो उनको लगता था यार इतनी इनकम तो कलेक्टर की नहीं होती है झूठ बोलते तो वो झूठ बोल रहा है तो उस चक्कर में उनको लड़कियां ही नहीं मिलती थी

हाँ नहीं मैं छत्तीसगढ़ से ही हूँ छत्तीसगढ़ पहले एमपी में हुआ करता था लेकिन अच्छा हाँ दो हज़ार दो हज़ार से सन 2000 से छत्तीसगढ़ सेपरेट है अलग है so, सो आपने वेडिंग फोटोग्राफी को छोड़ के ये कंटेंट क्रिएट करना कब से स्टार्ट किया और मतलब हाँ क्यों आपको लगा कि स्टार्ट करना चाहिए देखिए दो में ना मैंने पहली बार अपना एक वीडियो डाला था यूट्यूब में उस समय मुझे ये नहीं पता होता था कि यूट्यूब क्या होता है बस मैंने कहीं से देखा ऐसे ही और अपना चैनल क्रिएट कर लिया सडनली मुझे पता नहीं चैनल मैंने कैसे क्रिएट किया मैं जानता नहीं आज तक नहीं मुझे ये नहीं मालूम है कि मैंने अपना चैनल कैसे क्रिएट किया तुक्का लग गया हाँ वो तुक्का लगा वाला बार और कब किया कौन सा डेट है ये भी मुझे एक्जैक्ट याद नहीं तो मैंने एक वीडियो डाला था और दो में जब मैंने देखा तो उस वीडियो में ठीक ठाक व्यूज़ थे फिर दो में मैंने दो तक मैंने ना क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया था फोटोग्राफी ऑफलाइन हाँ ऑफलाइन तो मुझे लगा कि कुछ लोग इसके थ्रू आ सकते हैं कुछ लोग देखेंगे क्योंकि मैं सिर्फ फेसबुक पे एक्टिव हुआ करता था उस समय इंस्टाग्राम भी नहीं था तो फेसबुक पे जब मैं एक्टिव था तो कुछ लोग वहाँ से मिल जाते थे कुछ लोग आते थे तो मुझे लगा कि यूट्यूब में कुछ कंटेंट डालना चाहिए और फिर यूट्यूब में मैंने दो लास्ट लास्ट से कंटेंट डालना स्टार्ट किया था तो यूट्यूब से क्लाइंट्स वगैरह आते फिर हाँ YouTube से अच्छे क्लाइंट्स आते हैं मतलब अगर जो जितने भी लर्नर हैं जितने भी बिगिनर हैं वो सारे YouTube से ही मोस्टली आते हैं मेरे पास नहीं वो तो फोटोग्राफर्स हो गए लेकिन मतलब जिनको काम करो हाँ हाँ YouTube से भी क्लाइंट आते हैं जब हम बिहाइंड द सीन डालते हैं कि जैसे हमने कोई प्री वेडिंग शूट किया या वेडिंग शूट किया तो हम उसका बिहाइंड द सीन डालते हैं तो लोग देखते हैं और फिर वो लोग वहाँ से वॉच करके आते हैं अच्छा मतलब YouTube कहीं कहीं ना आपके बिजनेस में YouTube तो मेरे लिए सब कुछ है तो आपको लगा नहीं कि सब कुछ छोड़ के YouTube ही कर ले फिर Uh, मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब सब कुछ नहीं है मतलब यूट्यूब एक पार्ट है आपके अदर चीज़ों को इन, इन्हैंस करने का uh, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ यूट्यूब से सारा काम करना थोड़ा कठिन है हालांकि बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं बट अगर आप किसी दूसरे काम में पहले से इन्वॉल्व हैं अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं आप सीधा यूट्यूब स्टार्ट करें देन के लेकिन आपका ऑलरेडी पहले से बिजनेस सेटेड है और उसको बंद करके आप सेपरेटली यूट्यूब करेंगे ये थोड़ा कठिन हो जाता है तो अभी आप वेडिंग्स वगैरह करते हो या फिर मेंटोरशिप करते हो सिर्फ अभी मैं दोनों करता हूँ वेडिंग्स भी करता हूँ और मेंटोरशिप भी करता हूँ लेकिन मतलब मेरा जो ज़्यादातर फोकस है वो मैंटरशिप नहीं है सो so, जो अभी स्टार्ट करना चाह रहा है वेडिंग फोटोग्राफी मतलब स्टार्टिंग में तो पहले ये होता है घर वालों को कैसे बताएंगे यार वेडिंग फोटोग्राफी करने क्योंकि इन जनरल फोटोग्राफी अब थोड़ा सा कॉमन हो चुका है लेकिन वेडिंग अभी भी थोड़ा सा वैसा है कि हाँ हाँ डेफिनेटली अभी बहुत सारे लोगों का ना मुझे फोन आता है या फिर मैसेज आता है इंस्टा पे बोलते हैं कि सर हम वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाह रहे हैं लेकिन फैमिली हमारी जो है वो कन्वेंस नहीं हो रही है तो हम उनको कैसे कन्वेंस करें सबसे बड़ा मुद्दा होता है अगर आप एक बिगिनर हैं और आप वेडिंग फोटोग्राफी में हाथ डालना चाह रहे हैं इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मदर फादर का बहुत अच्छा बिजनेस है बहुत ताबड़तोड़ उनका काम चल रहा है लेकिन उन लोग उन लोग का जो इंट्रैक्शन होता है वेडिंग फोटोग्राफर में वेडिंग फोटोग्राफी में होता है तो डेफिनेटली वेडिंग फोटोग्राफी में बहुत पैसा है बहुत मतलब आप जितना सोच सकते हो उससे ज़्यादा पैसा है तो मेरे ख्याल से लोग वेडिंग मतलब कोई ऐसे नहीं करता होगा यार मुझे वेडिंग फोटोग्राफर बनना है इसलिए लोग आते होंगे ऐसे पैसा इसलिए करते हैं बस 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 ये लोगों का लो... शौक नहीं होगा यार मुझे वेडिंग ही करनी है हाँ हाँ मोस्टली लोग वेडिंग फोटोग्राफी में मोस्टली मैंने देखा है कुछ लोग हैं जिन लोग अपने मतलब लो बहुत कम की चुने एक लोग होंगे जो पैशन के लिए करते कर पैशन के लिए बहुत कम ही लोग हैं पैशन के लिए और टाइप की फोटोग्राफी है नेचर कर लो पोर्ट्रेट कर लो लेकिन वेडिंग स्पेशल मेरे ख्याल से कमर्शियल ही है चीज़ हाँ वेडिंग में पैसा तो बहुत है लेकिन फिर एंड ऑफ द डे जब आप वेडिंग में वेडिंग ऐसा चीज़ है जब आप बोलते हैं ना कि दूर के घोल सुहाने लगते हैं वेडिंग में आपको यह लगता है कि यार बहुत पैसा है बहुत मज़ा है हम जाएंगे बढ़िया हाँ काम करेंगे हमको पैसा मिलेंगे इतना इजी है नहीं तो मैं जितने भी वेडिंग फोटोग्राफी में आने के लिए लोग हैं उनको से, उन सब उन सबसे ये बोलना चाहूंगा कि भैया अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी में आना चाह रहे हो तो एक बार ना उसको और समझ लो एक बार देख लीजिए हाँ क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफी में अगर आपको आना तो सबसे पहले आपको बिजनेस समझना होगा लोग जनरली उनको लगता है कि बस फोटोग्राफी करेंगे उनको पैसा मिल जाएगा ऐसा होता नहीं पहले आप बिजनेस सीखो फिर आप वेडिंग फोटोग्राफी में आओ तो आप बहुत पैसा कमाओगे अदरवाइज नहीं मतलब आपके पास थोड़ी सी कमी हो लेकिन बिजनेस बिजनेस स्किल स्किल होनी होना चाहिए और आज के डेट में क्या होता है कि वेडिंग फोटोग्राफी ना एक तरीके से इवेंट मैनेजमेंट जैसा काम हो गया पहले ये होता था कि एक आदमी ऑर्डर लेता था वही आदमी जाता था वही देता था अब ऐसा नहीं होता अब वेडिंग का सिनेरियो चेंज है अब वेडिंग में बहुत बहुत सारी चीजें आ गई हैं सिनेमैटिक और ये वो सारी चीजें तो आपको पूरा टीम मैनेज करना होता है अगर करते हैं तो अभी वैसे आसान है जो काम करने वालों के लिए हाँ इसीलिए मैंने बोला अभी अभी अगर वेडिंग बिज़नेस करना है तो आसान है लेकिन बिज़नेस समझना इंपॉर्टेंट है अगर आप हल्के में लेके आ जाओगे कि बस मैं आऊँगा और करूँगा तो बहुत मुश्किल है क्योंकि क्लाइंट को आज के डेट में हैप्पी रखना ये सबसे बड़ा चैलेंज है चैलंग सबसे बड़ा चैलेंज है तो जो लोग अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं वेडिंग फोटोग्राफी उनको आप क्या ऐसी तीन टिप्स देना चाहोगे जो कहीं किसी ने ना बताइए क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है पंद्रह बीस सालों का बिल्कुल बिल्कुल मेरा पहला टिप तो ये होगा कि सबसे पहले आप वेडिंग बिजनेस सीख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको मतलब आपको चाहे फोटोग्राफी आती हो या ना जो पहले हाँ, बिजनेस वेडिंग बिजनेस, बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट है सेकेंड चीज अगर आप वेडिंग में आ रहे हैं तो आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आइए सबसे पहला टिप मैं यही दूंगा मतलब कैमरा वगैरह कुछ सेकेंड है कुछ भी नहीं लेना है आपको आपको बिजनेस सीखना है आपको लोगों को हायर करने आना चाहिए ठीक है आप कैमरा रेंट पे लेके स्टार्ट करें कभी भी कैमरा बाय करके आप पाँच पाँच लाख सात लाख दस लाख का मतलब किट लगे किट मत बनाए बिना किट बनाए आए आप सबसे पहले कैमरा जो है वो इजीली रेंट आउट हो जाते हैं तो रेंटल में लेके आप दो चार वेडिंग करके देखें आपको लगता है कि हाँ मुझे इस लाइन में लॉन्ग लौं, लॉन्ग टर्म जाना है तभी आप कैमरा वगैरह परचेस करें ये सेकेंड मेरा ओपिनियन था और तीसरा अगर आप वेडिंग में आ रहे हैं तो सबसे पहले आज के डेट में आपको अच्छा पढ़ा लिखा और स्टाइलिश बंदा होना बहुत जरूरी है से से, हा, हा। आज के में लोग भी उनको ही हायर करते हैं जो ऑलरेडी सारा टू डेट होते हैं मतलब आपको सब चीज आनी चाहिए सब चीज इन देंस आपको अच्छा टॉकिंग आना चाहिए अच्छा आपका लाइफ होना चाहिए आपके पास अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए सब कुछ क्योंकि क्लाइंट को थोड़ा पता है कि आपको कितनी फोटोग्राफी आती है उनको तो कोई भी फोटो दे अच्छी लगेगी <laughs> वो आपको जज करेंगे आपके बिहेवियर से आपके मतलब स्टाइल से या आपके वे ऑफ टॉकिंग से डेफिनेटली मैं आपको एक एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मेरे फ्रेंड का मैं उनका नाम रिवील नहीं कर रहा हूँ <laughs> लेकिन मैं बताता हूँ कि अगर उनके वेडिंग स्किल की बात करूँ मैं तो उनके पास वेडिंग स्किल कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं ज़ीरो वेडिंग स्किल है लेकिन अगर मैं बात करूँ वेडिंग बिजनेस की तो उनका जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट वन सी से ऊपर का है वेडिंग से भी वेडिंग से ही ओनली वेडिंग से ही तो बहुत तगड़ा काम है उनका मैंने लास्ट जो आपको बोला था कि आदमी का सब कुछ इंपॉर्टेंट है ठीक उसी तरीके से ना जब वो जाते हैं कभी भी किसी क्लाइंट से बात करने के लिए या फिर मीटिंग सेट करने के लिए तो कभी भी वो नॉर्मल होके नहीं जाते इवन वो मर्सिडीज़ में जाते हैं वही तो से इंपैक्ट पड़ जाता है जहाँ क्लाइंट उनको देखता है क्लाइंट के दिमाग में पहले आता है बंदा इतना तो क्लाइंट कभी भी उससे बार्गेनिंग करने का सोचते ही नहीं तो आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप वेडिंग में है तो आपको ये सारी चीज़ों को मेंटेन मेनटेन मेंटेन करो अपना तो पाँच दस लाख रुपए आप जो किट में लगा रहे ना उसक, उसके बदले आप थोड़ा सा अपने लाइफ को सेट कर लीजिए और उसके बाद आगे उसके बाद फिर हाँ उसका फिर बंदे बहुत ईजिली मिल जाते हैं वेडिंग फोटोग्राफी में बहुत सारे बंदे उनको हायर कीजिए और अच्छे से काम कीजिए मतलब बहुत टैलेंटेड लोग है जिनके पास काम नहीं है उनको बुला लो करवा डेफिनेटली मतलब क्या हो रहा है अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हो अभी वेडिंग जो है ना वेडिंग का जो काम है वो दो चीज़ों में डाइवर्ट हो गया एक हो गया वेडिंग फोटोग्राफर एक हो गया वेडिंग बिजनेस फोटोग्राफर ओ, तो आप मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है हाँ, और एक्चुअल काम कर रहा है जी जी तो जैसे आप सोचिए आप ये बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में जो मजदूर होते हैं काम तो पूरा वो करते हैं एक्चुअल आर्टिस्ट तो वो है हाँ हाँ लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जो भी बिल्डर होता है जो सब चीज़ों को बनाता है तो वो जो मेन बंदा होता है वो कुछ भी नहीं कर रहा होता है लेकिन वो सारा चीज करवाता है तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको क्या बना के देना है मतलब आपको चाहे कुछ ना आता हो लेकिन आपको काम करवाना आता हो काम करवाने आना चाहिए तो ये तो एक नॉर्मल जैसे बाकी बिजनेस होते हैं वैसे ही बिजनेस बन गया जाएगी बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हो गया अभी बस आपको मतलब क्लाइंट को इम्प्रेस करना है उनके लिए काम करना है डेफिनेटली आपको क्लाइंट की बात को समझ के फोटोग्राफर से उसको करवा के वापस क्लाइंट को देना है यही यही वेडिंग फोटोग्राफी का बिजनेस तो वेडिंग जैसे सीजनल बिजनेस रहता है मतलब साल में पाँच या छः महीने का रहता है मेरे ख्याल से उसके अलावा क्या करते हैं फिर लोग बाकी टाइम देखो पे? यही यही सबसे बड़ी आ, मतलब आ, सोच है और यही सबसे बड़ा लोग इसी को सोचते हैं कि यार वेडिंग सिर्फ तीन चार महीने का बिज़नेस है क्या करेंगे हाँ लेकिन ना थोड़ा सा सीन इसमें चेंज है अभी अगर मैं वेडिंग्स की बात करूँ नॉट वेडिंग वेडिंग्स की बात करूँ तो आप एक चीज़ गौर करिएगा हमारा इंडिया काफ़ी बड़ा और बहुत अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर रहते हैं अगर मैं अगस्त सितंबर और अक्टूबर की बात करूँ जो कि नॉर्थ इंडिया में टोटली ऑफ डेट रहता है यहाँ पे कोई काम नहीं होता तो ये अगस्त में सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर ये चार महीने आपको ना साउथ में वर्क मिल जाता है अच्छा मतलब ट्रैवल करना पड़ेगा हाँ ट्रैवल थोड़ा करना पड़ेगा लेकिन आपको पूरे बारह महीने काम मिलते हैं वेडिंग में वेडिंग फिर वहाँ की वेडिंग का तरीका अलग होता है उनके मतलब ट्रेडिशन अलग है तो वो भी तो सीखने पड़ेंगे पहले लेकिन यही मजा है वेडिंग का यही मजा है कि आपको डेली कुछ नया करने को मिलता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही लोग इसीलिए वेडिंग पसंद करते हैं वेडिंग बहुत रियल चीज़ है मतलब वहाँ पर कुछ भी सेट नहीं बना रहा कोई फेक नहीं चल रहा है कुछ भी आपके पास बस एक ही चांस है रिकॉर्ड करने का तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब आपने चांस गवा दी हो जैसे मान लो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है और आप उससे मिस कर गया बिल्कुल, मिस हो बिल्कुल, गया बिल्कुल ये ना 2009 की बात है 2009 2007 में मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं हुँ. तो दो दो में एक एक वेडिंग में मैं गया था वो उड़िया वेडिंग थी हुँ. तो उड़िया वेडिंग में क्या होता है फेरे नहीं होते मतलब कुछ कुछ वेडिंग्स में फेरे नहीं होते उसमें क्या होता है एक सिल रखा हुआ रहता है यहाँ से दुल्हन और दुल्हन आगे जाते हैं वहाँ पे ऐसे बैठ जाते हैं बैठने के बाद कुछ कुछ करते हैं फिर वापस उठ के फिर वापस रिवर्स आते हैं एक ही है हाँ एक ही ट्रैक में जाते हैं अब मैं क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मुझे लगता था कि यार लोग फेरा तो हर हर जगह फेरा, फेरा, फेरा होता ही है तो वो मैंने एक बार शूट किया फिर मुझे लगा कि ये क्या चीज़ हो रहा है नॉर्मल चीज़ है इसको क्या शूट करना बार बार तो वो सात बार ऐसा किए फिर मैं उनसे पूछा फेरा कब होगा तो बोले फेरा हो गया <laughs> <laughs> एक एक और एक और बात होती है हर वेडिंग में भी ना सात फेरे नहीं होते हाँ, जसे, जसे, वेडिंग में चार होते हैं हाँ जैसे गुजराती में भी चार फेरे होते हैं तो मैं जब पहली बार गुजराती वेडिंग मैंने शूट किया था तो वहाँ पर मेरे साथ सेम हुआ था जनरली क्या होता है कि जब उस उस समय की बात है अब तो अब तो खैर सारे फेरे सारा कुछ रिकॉर्ड किया जाता है पहले क्या होता था कि अगर सात फेरे ना तो दो तीन फेरे रिकॉर्ड कर लिया करते थे लोग और काम हो जाता था तो मैंने क्या किया सात फेरा सोच के एक फेरा रिकॉर्ड किया दूसरा फेरा नहीं किया तीसरा फेरा नहीं किया फिर मैंने बोला चौथा पाँचवा छठवा सातवा ये कर लूँगा और एक अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने पहला किया और चौथा कर लिया फिर मैं वेट कर रहा था कि अब ये फेरा होगा। हुआ हुआ। तो वहाँ पे क्या हुआ सिंदूर भरने लग गया सिंदूर भी होता तो मैंने एक रोका पंडित जी को बोला पंडित जी अभी तो सिर्फ चार फेरा हुआ है <laughs> तो पंडित जी मेरे को डांटे क्योंकि मैं नहीं डहरा बोले तुमको पता नहीं है क्या अच्छा ही होता है आ <laughs> रही मेरा होता है हमारे में <laughs> तो वो भी मेरे साथ एक बहुत अच्छी घटना थी तो आपने बहुत अलग अलग कल्चर की वेडिंग की होंगी मैंने ऑलमोस्ट सभी वेडिंग किए हिंदू मुस्लिम सिख और पंजाबी सब तरीके की वेडिंग की सब सब, सब सब मुझे बेस्ट बेस्ट कल्चर कौन सा लगा मतलब क्योंकि बहुत सारे कल्चर देखने को मिलते हैं आपको अगर मैं पंक्चुअलिटी की बात करूं तो साउथ की जो वेडिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है उनके में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अगर मैं मज़े की बात करूं ग्रैंड मतलब ग्रैंड तो सिंधी और पंजाबी वेडिंग जो है वो सबसे ग्रैंड होती है तो आपके क्लाइंट्स पंजाब सिंध हर जगह मतलब हाँ हाँ ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में मैं मैंने केरला में बस काम नहीं किया है केरला पे सिर्फ एक केरला ऐसी जगह है जहाँ पर मैंने वर्क नहीं किया बाकी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में किया तो कैसे एक्सपेंड किया आपने पूरा अपना इतना नेटवर्क मतलब अपने स्टेट में चलो लोग आपको जानते हैं मेरा एक फ्रेंड है अजमेर से वेडिंग फोटोग्राफर उसको अजमेर में सब जानते हैं लेकिन वो अभी चंडीगढ़ भी आया था वेडिंग के लिए लेकिन उसका उसका कॉन्टैक्ट बन नहीं पाया तो कैसे मतलब किसी नई सिटी में कैसे आप अपने आप को मतलब स्टेबलिश करते हो डेफिनेटली देखिए वेडिंग में भी ना बहुत सारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जनरली क्या होता है लोग सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर डिपेंड रहते हैं हुँ. मैं आप में से जितने भी वेडिंग फोटोग्राफर हैं सबको सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारे पोर्टल्स हैं जैसे शादी सगा है वेडमी गुड है वेडिंग वायर है ऐसे पोर्टल्स में आपको अपनी प्रोफाइल बनानी चाहिए आपको प्रोफाइल बनानी चाहिए और जस्ट डायल है और आप हर एक पोर्टल में अलग अलग प्लेस डिसाइड करना चाहिए आपको लोग यही गलती करते हैं जैसे मान लीजिए आपने वेडिंग वायर में अपना पोर्टल बनाया अब वेडिंग वायर में मोस्टली बहुत बड़ी बड़ी वेडिंग्स आपको मिलती है तो वेडिंग वायर में अगर मैंने पोर्टल बनाया तो वहाँ पर मैं कभी भी रायपुर या नियर बाई लोकेशन सेलेक्ट नहीं करता अपना मैं सेलेक्ट करता हूँ जयपुर जहाँ मतलब बड़े क्लाइंट्स जहाँ पे बड़े क्लाइंट्स मिलते हैं तो वहाँ के क्लाइंट्स मुझे वहाँ से मिल जाते हैं जैसे वेडमी गुड है तो वेडमी गुड में मिड सेगमेंट के क्लाइंट मेरे को मिलते हैं तो फिर मैं जो टू टायर सिटीज़ है वहाँ का आ, अच्छा मतलब ऐसे बहुत सारे अकाउंट बना रखे हैं हाँ अलग अलग सिटीज डाल अलग अलग सिटीज़ को मैंने वहाँ पे टारगेट करके रखा है कि मुझे अगर यहाँ का, का काम चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा यहाँ का काम चाहिए तो यहाँ से, से मिल जाएगा अच्छा तो ये मतलब ऑनलाइन चल रहा है तो मेरे को नहीं पता ये ऑनलाइन भी होता है ऐसा कुछ हाँ हाँ जस डाल के मेरे को पता था लेकिन वो तो मेरे को बहुत ऐसा अभी अभी आप अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना जिस दिन शादी के बारे में बात होगी ना तो फिर आप खुद ही सोचेंगे कि यार कहाँ से वेडिंग फोटोग्राफर आपको फाइंड फाइनल <laughs> मेरी सिस्टर की शादी थी लेकिन हमने ऐसी ऑफ कॉन्टैक्ट से ही कोई ढूंढ लिया था अच्छा। पर वै वे, वेबसाइट पे जाके कभी ढूंढना नहीं मिले हाँ जी हाँ जी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट्स पर होना अपडेट होना लिंगड इन होना ये सारी चीज़ें आपको बाहर के क्लाइंट्स मिल जाती है इवन अगर आपको आउट ऑफ इंडिया भी वर्क करना है तो भी आपको काफ़ी काम मिल जाता है बस डिपेंड करता है कि आप कितने स्मार्ट हैं कितनी अच्छी आपकी इंग्लिश है और कितना अच्छा कम्युनिकेशन है आपके पास क्लाइंट से कैसे बात करें बस 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 ये सब चीज़ होना चाहिए तो आपने कोई ऐसे मतलब बाहर के क्लाइंट के लिए काम किया फॉरेन वेडिंग्स फॉरेन वेडिंग्स तो मैंने अभी तक नहीं किया है मतलब आ, अगर नियर बाई करें तो मैंने नेपाल की वेडिंग्स की है लेकिन आ, उसको मैं फॉरेन नहीं बोल सकता वो तो अपना वो तो, तो इसलिए ही बजट कैसे डिसाइड करते हो अपनी वेडिंग्स का मतलब जैसे आप आपने देखा कोई क्लाइंट है थोड़ा सा अच्छा मतलब टू टायर सिटी से है कैसे आप उसको बजट बताते हो किस बेस के मतलब देखिए क्लाइंट्स है ना कभी भी देखिए आजकल एक एक बहुत बड़ा चैप्टर ये हो गया कि सारे लोग सबसे पहले कितना कितना चार्ज लेते हो क्या आपका क्लाइंट आप आप सबसे पहले यही पूछेगा आप कितना क्या पूछा तो बजट क्या होता है ना कि आपको अगर ऑनलाइन आ रहा है तो जैसे मैं मैंने अलग अलग पोर्टल से आना है मैंने पहले बताया कि मैं पोर्टल्स यूज करता हूँ अब अगर वेडमी गुड से आया तो मुझे पता है कि वेडमी गुड से जो भी क्लाइंट आएगा उसका जो बजट होगा वो आइडियल ढाई लाख रुपये के अंदर ही होगा मतलब वहाँ पे ऐसे क्लाइंट आ रहे हैं म, मैं मतलब ये आपका एक जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं ना तो आपके आइडिया होता है कहाँ से क्या आएगा तो ये ना एक एक्सपीरियंस आप बोल सकते हैं अब अगर मुझे जस्ट डायल से कोई ऑर्डर आ रहा है वो तो, थोड़ा चीप तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बिलो फिफ्टी थाउजेंड ही होगा पचास हजार से नीचे का ही वो क्लाइंट है क्योंकि जस्ट डायल पर जा रहा है वो एक आम इंसान हाँ हाँ तो ये ना आपको थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करना पड़ता है और आप पाँच छः अलग अलग अपना पोर्टफोलियो बना के रखिए जहाँ से आ रहा है उसको उस तरीके का पोर्टफोलियो सेंड कर दीजिए उसके आगे पीछे में रेट सेट हो जाता है अच्छा मतलब एक फिक्स प्राइस मत रखो अपना जिस टाइप का क्लाइंट है उस टाइप हाँ। का प्राइस रखो उस टाइप का, का काम करके दो उसको तो आपने अपने ऐसे अलग अलग पोर्टफोलियो बना रखे हैं हाँ थोड़ा हाई लेवल का मल है थोड़ा मिड लेवल है बिल्कुल 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 जिसका बजट ज़्यादा उसको हाई लेवल वाला भेज है बिल्कुल बिल्कुल

छोटे लेवल का काम करना है ना तो, तो, तो आपका अलग अलग, अलग नेम से होना चाहिए तो मिड रेंज का काम करना तो अलग रेंज से होना चाहिए तो लेकिन फिर ऐसे तो आपकी ब्रांड वैल्यू नहीं बन भाई ना देखिए ब्रांड वैल्यू ना आपको सोलो कभी भी वेडिंग में खुद से बनाना भी नहीं चाहिए आपके पास होना चाहिए आपकी कंपनी का नाम आपकी कंपनी को लोग जाने चाहिए तो मैं यही बोलूंगा कि आपको सिंगल अपना नाम के साथ काम करने की जरूरत नहीं है और आप अपने अपने टी अपने कंपनी का नाम आप आपकी जैसे शा, शादी राजा मेरी एक कंपनी है तो शादी राजा के नाम से मैं काफ़ी काफ़ी काम करता हूँ तो लोग मुझे वहाँ पे आ, राजा अवस्थी के नाम से उतना नहीं जानते हैं शादी राजा।, शादी राजा वाले से बात हुई है अब मेरी टीम में और भी लोग हैं जो लोग जैसे मान लीजिए मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ और कोई प्रोजेक्ट आता है तो अगर मैं सिर्फ अपने ब्रांड सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करता हूँ तो मैं ये पूछा राजा अवस्थी कौन है कहाँ है हाँ। लेकिन अब लोग पूछेंगे शादी राजा शादी राजा से तो वहाँ पे अलग अलग लोग हैं जो बात करते हैं उनसे तो ये सारी चीजें तो अलग अलग फॉर्म रजिस्टर करनी चाहिए मेरे को तो ये पता भी लगा है <laughs> <laughs> कि मतलब जो ताकि आपका वो भी ना हो मतलब एक ये भी फायदा होता है ना अगर आपने बहुत हाई लेवल काम किया और दूसरा प्रोजेक्ट बहुत लो लेवल कर लो हाँ तो वो मिक्सअप ना हो होना लोगों को लगे ना यार ये तो इतना बेकार काम करता है दूसरा चीज़ ये है कि उससे ये भी होता है ना कि आप क्लैरिफाई कर सकते हैं अब सिंपल सी बात है जैसे अगर आप ओप्पो वीवो वन प्लस ये सारे एक ही एक ही ब्रांड है आपको शायद पता होंगे लेकिन इन्होंने अपना डिफाइन करके रखा है कि भाई ओप्पो अलग है वीवो One अलग बस थोड़ा अलग तो है सिंपल सा लॉजिक है जैसा ओ, मार्केट ओ, देखते हो आप वैसा आपको दिमाग लगाना पड़ता तो। है उस हिसाब से ब्रांड नेम चूज़ करो हाँ। ताकि आम लोगों के लिए सही रहे हो। हाँ आपके पास आपका खुद का फ्लैगशिप ब्रांड होना चाहिए फ्लैगशिप ब्रांड का नाम थोड़ा सा फैंसी सा रखना हालांकि लोगों को लगे वो गॉड कितना प्रीमियम है तो ये सारी इन साइडर टिपस्टिक्स की मैं इसको पता ही नहीं है तो कितने सालों से आप वेडिंग फोटोग्राफी में काम कर रहे हो आपको क्या चीज़ें पसंद नहीं आती मतलब क्या आपको लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए वेडिंग फोटोग्राफी हो चाहिए हाँ वेडिंग फोटोग्राफी का ना एक एक जो काला सच है वो ये है कि वेडिंग फोटोग्राफर्स जो है ना मैं शुरू से एक ही चीज़ बोलता हूँ कि वेडिंग फोटोग्राफी से पहले आपको वेडिंग बिजनेस सीखना चाहिए और अगर आप वेडिंग बिजनेस नहीं सीखते हैं तो फिर आप अपने आप को एक गधे के जैसा जोत रहे हैं ऐसा होता है तो वेडिंग फोटोग्राफर्स के साथ सबसे बड़ा मतलब डिसअपॉइंटिंग पॉइंट यही है कि वो लोग बहुत काम करते हैं डेफिनेटली मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ वेडिंग भर रात रात जगह पे रात रात भर जगते हैं लेकिन अगर आप एक बात एक बेसिक सा बात है अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको मैं ओनली फोर थाउजेंड रुपीज़ दूँगा आपको वन डे का शूट करना है आप सोच के देखें आपके दिमाग में भी नहीं आएगा कि यार चार हजार रुपये में लेके सुबह से लेके पूरे रात भर होके फिर सुबह इवन आप यकीन नहीं करेंगे मॉर्निंग से वेडिंग स्टार्ट होती है और जब विदाई होता है तो रात के कभी पाँच बज जाते हैं मॉर्निंग के कभी छः बज जाते हैं और छः बजे तक आप लगातार शूट कर रहे हो आपको ना खाने का ठिकाना है ना सोने का ठिकाना है और बहुत सारी चीज़ें कोई मोमेंट मिस नहीं होना चाहिए तो इतना जब आप इतना प्रीमियम वर्क कर रहे हो तो उसका वैल्यू जो है ना वो चार हजार मुझे नहीं लगता कि वो मतलब उसके लिए हाँ, मतलब क्योंकि एक शादी में बंदा बहुत पैसा खर्च करता है जो क्लाइंट हाँ। है।, है और वो फोटोग्राफर सिर्फ चार हज़ार दे रहा है हाँ सिंपल सी बात है एक बैंड वाला आता है बैंड बैंड वाले जो आते हैं ना वो चार घंटे बजाते हैं और लाख रुपए लेके चले जाते हैं <laughs> लेकिन क्योंकि एक... बाद में कभी याद भी नहीं रहेगा आपको आ, लेकिन एक फोटो बोल कि आप सौ साल बाद देखोगे आपको दे यार हमारी वेडिंग थी तो वेडिंग फोटोग्राफर्स के साथ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो लोग सही चार्ज करना नहीं जानते सही अपने अपनी वैल्यू क्रिएट करना नहीं जानते और उसके पीछे का रीज़न ये कि वो वेडिंग बिजनेस को नहीं समझते सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफी देखिए किसी भी चीज़ के ना हमारे भगवान ने हमें दो आँखें दी हैं ठीक है हर चीज़ दो, दो हाँ दिया दो हाथ दिया दो पैर दिया सब कुछ दो है हमारे पास लेकिन वेडिंग में भी ना दो चीज़ें एक शूट दूसरा बिज़नेस शूट स्टाइल यानी कि आपको काम करने आना चाहिए और उसको बेचने आना चाहिए जब तक आप ये दोनों चीज़ें नहीं सीखेंगे तब तक आप हमेशा परेशान रहेंगे अगर मैं बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर की बात करूं जिन लोग बोलते हैं कि यार कई लोग इतने फ्रस्टेड हैं इवन मैं भी हूं अगर उनमें से अपनी बात करूं तो मैं भी हूं कि कई बार क्लाइंट ऐसा करता है कि आ, क्लाइंट शूट कराता है शूट कराने के बाद उसको एडिट कराता है फिर उसको री एडिट कराता है फिर री एडिट कराता है फिर एडिट कराता है तो अगर आप वेडिंग से इरीटेट हो रहे हैं तो मैं एक छोटा सा टिप्स देना चाहूँगा अपनी तरफ से अगर आप वेडिंग फोटोग्राफ़र हैं तो डेफिनेटली आपको मूड बोर्ड तैयार करने आना चाहिए आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मूड बोर्ड और मूड बोर्ड के साथ आपको क्लाइंट के साथ प्ले करना चाहिए एक बार आपने मूड बोर्ड सेट करा दिया कि भाई हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे देन आपका प्लान चेंज नहीं होना चाहिए नहीं तो क्लाइंट आज के डेट में टिकटॉक जैसा हो गया है <laughs> बस वो हर पंद्रह सेकेंड में स्क्रॉल करता है और बोलता है नहीं मुझे ये भी चाहिए मुझे ये भी चाहिए मुझे ये भी चाहिए तो अगर आप एक मूड बोर्ड सेट करा के क्लाइंट से काम कर रहे हैं उसको बोल दो भाई ये भाई यही होगा हाँ यही होगा ये एथिक्स आपके क्लियर होने चाहिए तब आप कभी भी रिलटेड नहीं होंगे अदरवाइज़ हर एक चीज़ में प्रॉब्लम है पैसे लेने में प्रॉब्लम काम करके देने में प्रॉब्लम क्लाइंट शूट करा लेता है फिर बाद में बोलता है कि मुझे ऐसा चाहिए शूट आपका दूसरे पैटर्न पे होगा एडिट दूसरे पैटर्न पे होगा पॉसिबल ही नहीं है तो ये चीज़ है इसीलिए लोग इरीटेड हो रहे हैं और हो रहे हैं प्लस जो ये एडिट का भी जो काम है वेडिंग वाला वो भी बहुत कम प्राइस में हो जाता है मेरे ख्याल से बहुत कम प्राइस में मतलब मतलब मैं अभी पता कर रहा था दीदी की वेडिंग के लिए तो जो वो मतलब एक घंटे का बहुत कम चार्ज करता है मतलब मैं यकीन नहीं हो पाएगी इतना कम कैसे ऐड <laughs> पूरी पूरी पूरी। कर सो आप क्या ज्यादा वेडिंग फोटोग्राफी या फिर स्टार्ट किया अगर मैं अपना पर्सनल चॉइस बोलूं तो वेडिंग फोटोग्राफी में ज्यादा मज़ा है क्योंकि आप जाते हो लोगों से मिलते हो वहाँ पे नई नई चीज़ देखते हो लेकिन आज के डेट का जो सिनेरियो है तो फिर मैं थोड़ा सुकून चाहता हूँ और मेंटरशिप ज़्यादा अच्छा लगता है सुकून है और पैसे किस में ज्यादा है पैसे वेडिंग में ज़्यादा है अगर आप में अगर आपको वेडिंग में अच्छा काम मिलता है तो मेंटरशिप कहीं भी नहीं टिकता उसके सामने इतने इतने इतने, इतने अच्छे पैसे हैं लोग यार फिफ्टी थाउजेंड सॉरी फिफ्टी लैक्स ट्वेंटी फाइव लैक्स इजिली चार्ज कर रहे हैं वेडिंग वेडिंग के के सो आप मतलब अभी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम करते हैं जैसे सोनी हो गया या फिर मैंने देखा था डिजी टेक हो गया तो कैसे आप रीच आउट होते ब्रांड्स को क्योंकि आपका तो मेनली वेडिंग का काम था हाँ देखिए ये, ये मेरा सेकंड सेगमेंट है वेडिंग तो अलग बात है अभी क्या होता है कि ब्रांड्स आपको तभी रीच करती हैं जब आपके पीछे फैन फॉलोइंग हो ऑडियंस ऑडियंसो ऑडियंस हो तो जब मैं यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया तो यूट्यूब के साथ साथ मैंने क्लासेस स्टार्ट की धीरे धीरे मेरा यूट्यूब ग्रो होता गया इंस्टाग्राम ग्रो होता गया तो ब्रांड्स फिर देखने लगे कि हाँ यार ये बंदा जिसको लोग फॉलो करते हैं जिसको लोग पसंद करते हैं तो फिर ब्रांड धीरे से आपको खुद से ही रीच करते हैं कि भैया आप हमारे साथ जुड़ जाओ और आप हमारे साथ काम करो हम आप तो आपको और बेनिफिट मिलेगा उससे दोनों को बेनिफिट है हमको भी बेनिफिट मिलता है और ब्रांड्स को भी बेनिफिट मिलता है तो कितना है इंपॉर्टेंट है, मतलब आजकल के टाइम पे वेडिंग के साथ साथ कॉन्टेंट बनाना जरूरी है जा? या फिर सिर्फ प्योर अपना वेडिंग वाला काम करते रहो बिज़नेस का अगर अगर आपको देखिए दो तरीके के लोग होते हैं एक पर्दे के सामने रहने वाले और एक पर्दे के पीछे रहने वाले हुँ. तो यदि आपको लगता है कि आप मार्केट में रहें आपकी फ़ेस वैल्यू रहे तो आपको वेडिंग के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन पे भी रहना चाहिए और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे सुकून है बस पैसे आने चाहिए बाकी मैं अपनी लाइफ एंजॉय करता हूँ तो फिर आप वेडिंग में रहें तो ज़्यादा बेटर है मेरे कुछ फ्रेंड है जो मुझसे कई गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं सिर्फ वेडिंग से ही तो हाँ वो सोशल मीडिया पे है लेकिन मतलब उनकी फेस वैल्यू नहीं है मतलब उनके ब्रांड की है जैसे मान लीजिए कोई कोई वेडिंग ब्रांड है उनका तो उनका ब्रांड वैल्यू है लेकिन उनका जो सेपरेट फेस वैल्यू है जैसे, जैसे आपका है हा, हा, है ना आपका एक, एक बस वही और कुछ नहीं है तो जो सेपरेट फेस वैल्यू है ना वो आपको कॉन्टेंट क्रिएशन से ही आएगा ओके उसके बाद चाहे आप कुछ भी स्टार्ट कर लो आपको बुलाई बिल्कुल आपकी जो ऑडियंस है उसमें से कोई ना कोई किसी ना किसी की शादी का भी व्यवहार तो आपको ही लेगा हाँ हाँ ऐसा हुआ भी है इवन बहुत सारे लोग हैं जिन लोग ऑलरेडी मुझे मतलब फॉलो करते हैं मुझे देखते हैं उनसे मिल चुके हैं पहले भी और उनकी वेडिंग्स मैंने की है तो आपको लगता नहीं ये चीज़ का भी क्लैश होती है मतलब एक तरफ लोगों के लिए आप आइडल हो मतलब आपके फ़ैन हैं वो लोग और दूसरी तरफ आप उनके लिए ही काम करिए उनकी वेडिंग में नहीं नहीं ऐसा नहीं है उनके बीच का वो गैप ख़त्म नहीं हो जाता नहीं नहीं देखिए क्या होता है अब इसको मैं थोड़ा सा अप लेवल से जोड़ता हूँ मान के चलिए कि शाहरुख खान है शाहरुख खान किसी वेडिंग में जाके अगर डांस कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो उसका उनके साथ यूज टू तो हो गया एकदम वो मेरा एक्चुअल मेरा मेन काम तो वेडिंग ही है ना तो मैं उनकी वेडिंग अगर कर रहा हूँ तो ये एक अच्छी बात है वहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटी जैसा फील आता है अच्छा मतलब एक तो आप उनकी वेडिंग कर रहे हो ऊपर से वो ऐसे हाँ, राजा हाँ तो वो एक अलग उसका एक अलग मजा है अच्छा मैं तो इसीलिए कभी स्टार्ट नहीं कर पाता ऐसे क्लाइंट वर्क मेरे को लगता है कि यार अब कहीं कुछ लोग ऐसी बस इंक्वायरी डाल देंगे बस आपसे मिलना है इसलिए बाद में बोलते हैं नहीं हमें कुछ काम तो करवाने तो बस मिलना ही था हमसे <laughs> <laughs> आपके पास कभी आता नहीं ऐसे कि लोग आपसे पूछते हैं हाँ, आपसे वेडिंग के डिस्कस करना है फिर एक बार मिल मिले फिर कहते हैं नहीं आपसे बस मिलना ही था पहले क्या होता था इस ये एकदम होता है जब आप शुरू शुरू में ऐसा करते हैं ना तो जब पहले मैं सारा चीज़ सारा चीज़ खुद से जब मैनेज करता था तो मेरे साथ ये होता था कि कोई भी मुझसे बात कर ले कोई भी आ जाए कोई भी बात कर ले और ईजिली मीटअप हो जाए सब हो जाता था बट धीरे धीरे मैं इससे काफ़ी इरीटेट होने लग गया था तो फिर मैंने जब अपनी टीम हायर की तो सारा कुछ अब बहुत फिक्स सिस्टम मैनेज सिस्टम है।, है सब कुछ सिस्टम से चलता है कि लोग पहले उनसे बात करते हैं क्लाइंट <coughs> फिल्टर होते हैं फिर मेरा मेरा जो मैनेजर है वो फ़िल्टर करता है फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मैं मुझे किसका काम करना किसका काम नहीं करना एक टाइम था जब सिर्फ काम आता था और हम काम ले अब हम सेलेक्टेड काम लेते हैं तो आपके इन हाउस फोटोग्राफर है या फिर आप भी हायर करते हो जैसे नहीं तो नहीं मेरी इन हाउस इन हाउस टीम है लगभग ट्वेंटी फाइव लोग हैं हम लोग तो मेरी पच्चीस लोग की टीम है लगभग ट्वेंटी फाइव मेम्बर्स हैं जो इन हाउस हम लोग काम करते हैं और उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है तो हम बाहर से टीम हायर कर लेते हैं पच्चीस लोग कम पड़ते हैं ख्याल से फोटोग्राफी लेकर भी <laughs> नहीं नहीं एक्चुअल में क्या होता है मेरे मेरे एक साथ अगर दो तीन प्रोजेक्ट चल रहे तो मैं एक बात बता रहा हूँ मेरा एक स्टूडेंट है उसकी इन हाउस टीम एट्टी लोगों की एटी, लोग है एट्टी अस्सी लोग हैं उसकी इन हाउस टीम है और उसको भी लोग कम पड़ जाते हैं लेकिन उसका एक तरीका है कि यदि आप सभी टाइप की वेडिंग ले रहे हो तब तो आपके पास टीम मेंबर्स कम पड़ते हैं और अगर आप लिमिटेड ले रहे हो थोड़ा सा सेलेक्ट कर करके ले रहे हो कि यार मुझे ऐसा ही करना है या इसी सेगमेंट में काम करना है तो फिर आप दस लोग के साथ भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो प्लस अगर आपके एक साथ दो तीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं तब मेरे ख्याल से हाँ हम लोग एक डेट में तीन प्रोजेक्ट तक ही मैक्सिमम लेते हैं एक डेट में तीन प्रोजेक्ट्स तो आप हर वेडिंग में एक बार जाते हो देखने कैसे चल रहा है नहीं मैं या मैं फिर मैं। आप बस एक चूज़ कर लेते हो मैं मैं ऑलमोस्ट अभी वेडिंग में नहीं जाता हूँ जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस होता है मेरा क्योंकि मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि हम आ, मैं फेस वैल्यू वहाँ पे प्रमोट नहीं करता हम हमारी कंपनी प्रमोट करते हैं कि हमारी कंपनी आपको ये करके देगी मतलब लोग आपको डिमांड भी नहीं करते लोगों को अच्छा चाहिए मुझे अपना डिमांड लाना भी नहीं एक्चुअली में क्या होता है वेडिंग में जाना मतलब पूरी रात जागना तो ये चीज़ मैंने बहुत किया है 2018-2019 तक जब तक कोविड नहीं आया था तो 2019 तक कोविड आने के बाद मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि भाई अब थोड़ा सा अपने आप को मैं अपने आप को भी टाइम देना है हुँ. तो अभी मैं कम जाता हूँ वेडिंग में जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ मुझे आना चाहिए कोई एकदम खास परिस्थिति है तो तभी तो मैं जाता हूँ तो नहीं जाता ओके सो वेडिंग मेरे ख्याल से सब लोग एक जैसी फोटो खींचते हैं नॉर्मली लेकिन कुछ लोग जो बहुत ही क्रिएटिव करते हैं जैसे आपकी कुछ फोटो मैंने आपकी प्रोफाइल पर देखी तो जो आप क्रिएटिविटी सोचते हैं उसके लिए आप क्लाइंट को कैसे मतलब मना देखिए यार ऐसा करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा वही मैंने बताया कि आपको मूड बोर्ड तैयार करना होता है अगर आप क्लाइंट के साथ मूड बोर्ड तैयार करते हैं तभी ये पॉसिबल है अदरवाइज बहुत सारे लोग होते हैं जिनको तो वेडिंग में ढंग से क्लोजअप भी नहीं मिल पाता है क्योंकि क्लाइंट वेडिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता भले वो कितने भी पैसे दे रहा हूँ लेकिन वो एंड ऑफ द टाइम वो आपकी क्रिएटिविटी सुनने का टाइम नहीं है उसके पास वो बोलेगा यार अपने जो ट्रेडिशनल करना है वो करो डेफिनेटली और आपको ना ये सारी जो क्रिएटिव पिक्चर्स जो है ना वो डेस्टिनेशन वेडिंग में ही मोस्टली मिलती है बाकी जो एकदम टिपिकल ट्रेडिशनल वेडिंग है ना उसमें बहुत कम टाइम में होता है और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं फिर आपको वहाँ पे आपका सेकंड पार्ट लाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं एडिटिंग का पार्ट तो बैकग्राउंड वगैरह हाँ तो वहाँ पे फिर काफ़ी कुछ कर आपको क्रिएट करना पड़ता है तो आपका फेवरेट टाइप कौन सा होगा आप कैंडिड क्लिक करते ज़्यादा या फिर ट्रेडिशनल अगर मैं अपनी बात करूँ मार्केट का डिमांड जब हम हमने स्टार्ट किया था उस समय कैंडी नाम का कोई चीज हुआ नहीं करता था तो अभी आया तो, ट्रेंड हाँ अभी ट्रेंड आया अगर मैं वेडिंग एन्जॉयमेंट की बात करूँ ये थोड़ा सा लोगों से चेंज है मेरा ओपिनियन कि अगर मैं वेडिंग एंजॉय करने की बात करूं तो मैं ट्रेडिशनल फोटोग्राफी ज़्यादा पसंद करता हूं क्योंकि उसमें अब हर हर इवेंट हर इवेंट में हर जगह आप वहां पे इन्वॉल्व रहते हो और उसमें क्या होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा इवेंट में घुसने की जरूरत नहीं है कैजुअल आप क्लिक करते रहते हो और जो चीज़ें होते रहती है उसको एन्जॉय करते रहते हो लेकिन अगर आप एक कैंडिड फोटोग्राफर हो कैंडेड वेडिंग फोटोग्राफर हो तो आपको बहुत शार्प होना पड़ता है बहुत शार्प मतलब एक आंख आपकी इधर एक आंख आपकी इधर होनी चाहिए तो अगर आपको इन्जॉय करना है देन आप रेगुलर शूट के साथ इंजॉय कर सकते हो अदरवाइज कैंडिडेट तो हम करते ही करते हैं कोई दिक्कत नहीं कुछ तुम्हारा सवाल हो भाई वेडिंग से लेकर <laughs> जो एक इनिशियल फोटोग्राफर रहता है जिसने अभी स्टार्ट किया है है वो कैसे क्लाइंट को हाँ, मतलब को अप्रोच करे मतलब क्लाइंट्स होता ना ऐसे कि भाई हमारा बजट तो इतना है लेकिन हमें सब कुछ चाहिए उसमें ही कैसे आप उसको कन्विंस करते हो कि भाई इतने में इतना ही होगा हाँ वही इसीलिए मैंने बताया देखिए सारे चीज़ का एक सिंपल आंसर है मूड बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मूड बोर्ड और स्क्रिप्टिंग जैसे मतलब मूड बोर्ड पहले से आप कुछ आइडियाज डिसाइड कर लो हाँ इस टाइप का कुछ हम क्लिक करेंगे क्लाइंट हम सबसे पहले क्लाइंट से पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं मतलब क्या पसंद नहीं है तो होता ही नहीं सब कुछ पसंद होता है उनको लेकिन हम क्लाइंट को बोलते हैं कि भैया आप आपको क्या क्या पसंद है, तो बोलता है मुझे ये भी चाहिए मुझे कैंडिडेट फोटो भी चाहिए मुझे ये भी चाहिए सारा चीज़ क्लाइंट बोलता है मुझे टीजर भी चाहिए हाईलाइट भी चाहिए देन हम उनके लिए एक सेपरेट उनका प्लान बनाते हैं कि भैया देखिए ये चीज़ है आपको ये आउटपुट मिलेगा मोस्टली आपको आउटपुट दिखाना बहुत जरूरी है अगर आपने आउटपुट नहीं दिखाया देन क्लाइंट आपको बाद में ब्लेम करता है तो हम क्या करते हैं वही हमारा मूड बोर्ड होता है कि आपने ये ये मांगा हमने ये सारा चीज ऐड किया इसका आउटपुट ये आ रहा है फिर क्लाइंट बोलता है हा, हाँ हाँ ये सही है बिल्कुल सही है अब वहां पे उसके बाद हम बात करते हैं बजट का कि क्योंकि देखिए शुरू से आप बजट बता देंगे क्लाइंट आपका भाग जाएगा पहले उसको कर पहले आपको इम्प्रेस करना है फिर आपको दिखाना है कि आपने जो मांगा उसका आउटपुट ये ये था हमारा मूड बोर्ड अब वहां पर ना फिर क्लाइंट बोलता नहीं यार हमारा इतना बजट नहीं है तो फिर हम चीज़ों को वहाँ से हटाना स्टार्ट करते हैं ठीक है तो हटा दो, एक काम करो दो। कि आप आप तीन डेस्टिनेशन में आप प्री वेडिंग शूट कर रहे थे हमारे जी प्री वेडिंग शूट की बात है हुँ. तो क्लाइंट का बात हुआ कि हमको एक एक वाटरफॉल वाला सीन चाहिए देखे हमको फिर इंडोर वाला भी कुछ चाहिए और फिर हमको सी साइड भी चाहिए और हमको माउंटेन भी चाहिए चार चीज़ें उन्होंने डिसाइड की तो एक सिंपल सी बात है आप इतनी जगह जाएंगे तो कम से कम आपको तीन दिन का सेटअप तैयार करना पड़ेगा तो तीन दिन के हिसाब से हमने मान लीजिए प्री वेडिंग का बजट दिया डेढ़ लाख रुपए का मान के चलते हैं तो क्लाइंट बोलता है अरे तो बहुत ज़्यादा बजट है मेरा तो चालीस हज़ार का ही बजट है मान के चलते हैं तो हमने उनको बताया कि भाई तीन दिन में आप उनको समझाते हैं कि यहाँ से आप ट्रैवल करके जाएंगे आप स्टे करेंगे आपको टाइम लगेगा आपको मेकअप लगेगा आपको, मेक लगे, आपको सारा सेटअप लगेगा तो क्लाइंट बोलता है हमको एक ही दिन में करना है तो हम उनको बोलते हैं कि यह दस घंटे का टाइम है हमारा प्री वेडिंग का सेगमेंट दस घंटे का होता है हम दस घंटे से ऊपर शूट नहीं कर सकते मॉर्निंग हमने मान लीजिए आठ बजे स्टार्ट किया तो दस घंटे टेन आवर्स जब भी होगा चाहे छः बजे सात बजे हम क्लोज़ कर देते हैं फिर इवनिंग ठीक है तो हमने उनको बताया कि भाई दस घंटे में आप खुद सोचो कि आपको यहाँ से पचास किलोमीटर जाना है और आपका थर्ड डेस्टिनेशन वहाँ से दो किलोमीटर मान के चलिए तो दस घंटे में भी ट्रेवल में टाइम निकल फिर हम उनको समझाते हैं मूड बोर्ड के थ्रू वही इंपॉर्टेंट है मूड बोर्ड जब क्लाइंट्स अदरवाइज क्लाइंट आता है और बोलता है कि भाई हमको ये चार चीज़ें चाहिए और हमारा बजट पचास हज़ार रुपये का है, पचास हज़ार रुपये में हमको करवाना भी तो यहीं पे जो हमारे फोटोग्राफर्स होते हैं वो हाँ बोल के फंस जाते हैं और बात करिटेड है। होते हैं हाँ। तो आपको मूड बोर्ड रेडी करके अपने क्लाइंट को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है तो मूड बोर्ड किस में तैयार करते हो मतलब कोई ऐप है या फिर आप मैं कैनवा से तैयार करता हूँ कैनवा से हाँ। तो उसमें आप अपनी मतलब पास जो आपने खींच की फोटोज नहीं नहीं, नहीं कभी भी देखिए कभी भी ना आप अपनी फोटोज लगाने की आपको जरूरत नहीं अगर आप मूड बोर्ड बनाते हैं तो ढूंढ आप गूगल से कोई भी पिक्चर निकालिए जो उस टाइप का हो आपको पिक्चर लगानी जैसे मान के चलिए क्लाइंट बोला कि मुझे वाटर के पास या एक वाटरफॉल वाला थीम चाहिए वहाँ पे वाटरफॉल से रिलेटेड हमने कुछ पिक्चर्स निकाले प्री वेडिंग फोटोज़ इन वाटरफॉल ऐसा लिख दिया हमने पिंटरेस्ट में लिख दिया वहाँ से हमने कुछ पिक्चर्स निकाल ली <coughs> और वो हमने डाउनलोड करके फिर कैनवा पे उसको अच्छे से सेट करके दिखा दिया कि आप जब वहाँ जाएंगे तो, तो ये वाटरफॉल वाली पिक्चर इस टाइप की रहेगी वहाँ पे इस टाइप का ड्रेसअप रहेगा ये इस टाइप का मेकअप रहेगा इस टाइप का हेयर स्टाइल रहेगा सारा कुछ तो उससे क्या होता है क्लाइंट को समझ में आने लगता है कि आपका आउटपुट क्या आएगा फिर हम शूट करके आते हैं और शूट करके एज़ इट इज़ हम शूट नहीं करते सिर्फ वो एक मूड रहता है कि ऐसा हो सकता है ऐसा होगा फिर हम शूट करके आते हैं फिर वही चीज़ हमारे एडिटर को भी दे देते हैं जिससे ये क्लियर हो जाता है उसको भी इस तरीके से हाँ, है। इस तरीके से एडिट करना है तो हमारा काम परफेक्ट होता है सो प्री वेडिंग भी करते हो आप हाँ प्री वेडिंग पूरा एक पैकेज बना देखो प्री वेडिंग वेडिंग आजकल हाँ। पोस्ट वेडिंग भी आ गया है हाँ हाँ पोस्ट वेडिंग लोग कम ही कराते हैं शादी के बाद तो सब सीधा तो जाता है लेकिन प्री वेडिंग का जो चलन है वो ज्यादा है अब प्री वेडिंग को देख के मुझे ऐसा लगता है कि सारी प्री वेडिंग लगभग सेम ही दिखती है वो स्टार्ट करते हैं एक वाइड से फ्रेम से लंबा सा एक वो पहन रखा गाउन लड़की ने बिल्कुल आपको लगता नहीं बहुत मोनोटोनस हो गया मतलब हर जो भी क्लाइंट आए सेम ही काम करना है वही वही देखिए वहीं पर एक चेंजेस है मूड बोर्ड वहीं पर काम करता है अगर मान के चलिए मैंने एक दस दस अलग अलग टाइप के मूड बोर्ड बना के रखे हैं जब आपका क्लाइंट आता है तब तो आप अपने क्लाइंट को अलग अलग मूड बोर्ड दिखाते हैं कि ये पैटर्न है ये पैटर्न ये पैटर्न है ये पैटर्न है, है, है तो आपको कौन सा आपको किस टाइप से शूट कराना है जनरली लोग मूड बोर्ड रेडी नहीं करते ये ठीक ना वेडिंग से आपको इसको रिलेट कर सकते हैं मान के चलिए कि आपके पास कोई वेडिंग प्लानर आता है तो वेडिंग प्लानर कभी भी आपको डेकोरेशन का एक ही प्लान नहीं दिखाता है ना बहुत सारे डिजाइन अलग अलग दिखाता है तो आपके पास भी ना वेडिंग के या प्री वेडिंग के अलग अलग पैटर्न होने चाहिए कि भाई आप क्या शूट कराना चाहते हो किस तरीके से कराना चाहते हो तब आप अपने लेवल को अप कर पाओगे तो ये सारी चीज़ें मतलब करनी पड़ेंगी पहले ये सब पोर्टफोलियो मूड बॉडी सारी चीज़ें तैयार हाँ, करनी पड़े यही वेडिंग बिजनेस है सिंपल है ये सारी चीज़ें इसी चीज़ में ना हम लोग वो जो स्टार्ट कर रहे हैं फोटोग्राफी या है, फिर जो सिर्फ फोटोग्राफी करते हैं वो लोग मार खा जाते हैं हाँ वो बस अपनी फोटो खींचते रहते हैं उनको पता ही नहीं ये सब भी करना होता है बस 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 जैसे मान के चलिए आप एक वेडिंग फोटोग्राफ़र है आपने वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट की मैं एज अ क्लाइंट हूँ मैं अगर आपके पास आऊँगा एक सिंपल इसको ऐसा समझिए जैसे हम होटल जाते हैं है ना होटल जाते हैं तो वहाँ पर मेन्यू होता है अगर मैं किसी होटल पे जाऊं और मैं बोलूं यार क्या अच्छा है अगर वो क्लाइंट बार बार एक ही चीज़ बता रहा है यार मेरे यहाँ बड़ा पाव मिलता है मेरे यहाँ बड़ा पाव मिलता है मेरे बड़ा पाव मिलता है आप लोगे तो आप कितने बार उसको लोगे? लोगे या कितना पसंद करोगे है ना या फिर आपके यहाँ एक ही वेरायटी होगी आपके पास वैराइटीज़ होनी चाहिए मेन्यू होना चाहिए आपके पास मतलब ऑप्शन बहुत सारे होने चाहिए ताकि लोग चूज़ कर सकें हाँ और तभी आप अपना रेट कोट कर पाओगे रेट अब कर पाओगे अदरवाइज़ अभी जो वेडिंग फोटोग्राफ़र्स परेशान हो रहे हैं कि उनका एक फिक्स बजट है यार पचास साठ हज़ार में करना है या दो लाख में करना है डेढ़ लाख में करना है क्योंकि उनके पास वैरायटी नहीं है वैरायटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं अगर आप वैरायटी को एक्सप्लेन करके उसको दिखाओगे बोर्ड के थ्रू तो क्लाइंट समझ पाएगा कि इसमें क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है तो इंस्परेशन के लिए आप क्या यूज़ करते हो मतलब किसकी फोटोज देखते हो आप कौन ऐसे हैं जिनको देख के आपको लगता है यार मैं भी ऐसा काम करूंगा मैं सेपरेट पर्टिकुलर किसी फिक्स बंदे को तो नहीं देखता हूँ प्रंटरेस्ट पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके फोटोज मुझे दिखते हैं अगर मैं वीडियो की बात करें वीडियो में मेरा एक सेपरेट बंदा जिसको मैं काफी पसंद करता हूँ वो है मयाद स्टूडियो मया? मयाद M. मयाद स्टूडियो।, है, मयाद स्टूडियो।, मयाद स्टूडियो उसके वीडियोज वीडियो मुझे काफी करते प्री वेडिंग की वेडिंग हाँ प्री वेडिंग दोनों आपके क्या ख्याल से आप थोड़ा सा तो मेरा गोल वही है कि आगे चल के कुछ और अच्छा करना है मतलब फिक्स तो है नहीं वेडिंग का ऐसा कुछ भी क्योंकि मैं जिस जिस जगह से बिलोंग करता हूँ बहुत छोटी जगह है और वहाँ से इस लेवल पे पहुंचना मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा मुश्किल बात है कि आपको पूरे इंडिया से लोग जानते हैं आप ये यूट्यूब को ज़्यादा सीरियस लेने वाले हो अभी या फिर वेडिंग पे ही फोकस करने वाले हो हाँ देखिए वेडिंग बिजनेस का ना एक डार्क ट्रुथ बताता हूँ आपको वेडिंग इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जितने पुराने होते जाते हो जनरली कोई भी काम होता है जैसे मान के चलो आप डॉक्टर हो आप इंजीनियर हो आप कुछ भी काम करते हो आप एक्टर हो इवन आप डायरेक्टर हो आप प्रोड्यूसर हो कुछ भी करते हो ना उसमें आप जितना पुराने होते जाते हो उतना मजबूत होते जाते हो <हुँ> वेडिंग में जस्ट उल्टा है आप जितने पुराने होते जाते हो उतने हल्के होते जाते हो हल्के इन <था> द सेंस जैसे मान के चलिए आप एक प्री वेडिंग है मैं आज के डेट में फोर्टी ईयर्स का हूँ ठीक है आज के अगर मैं आज से दस साल की बात करूँ दस साल बात की बात करूँ और अगर मैं प्री वेडिंग शूट करने जाऊँ मुझे प्री वेडिंग नहीं मिलेगा ऐसा नहीं प्री वेडिंग मिल जाएगा लेकिन मेरा आउटपुट एक थर्टी ईयर वाले फोटोग्राफर से कभी भी अच्छा नहीं आ पाएगा उसका रीजन बताता हूँ मान के चलते हैं कि मैं पचास पचपन साल का एक ओल्ड एज मैन हूँ कितना भी स्ट्रांग हूँ कितना भी अच्छा दिखता हूँ कितना भी अच्छा गुड लुकिंग हूँ लेकिन अगर मैं क्लाइंट को बोलूंगा आप दोनों आइए और एक दूसरे को किस करिए मेरे सामने कभी किस नहीं करेंगे उनको उनका बाप दिख जाएगा <laughs> तो फिर वो आउटपुट नहीं, <laughs> तो नहीं आता दूसरा चीज जब आप वेडिंग में जितने ओल्ड होते जाते हैं उतना लोगों को लगता है कि नहीं यार आप किसी नए बंदे को ट्राई करते हैं तो वेडिंग जो है वेडिंग के।, के लिए मैं एक डायलॉग बोलता हूँ मैसा वेडिंग जेडी के डी लोग का वर्क है जेडी जेडी केडी मतलब जमा दिलों की धड़कन Oh, <laughs> जैसे आपकी एज बढ़ने लगी कुछ और काम ढूंढ रहे हैं ऐसा मतलब आप उसको फिर शिफ्ट कर सकते हो जैसे आप शूट के बदले आप एडिट वाले सेगमेंट में चले मतलब द सीन रह सकते हाँ एडिट एडिट वाले सेगमेंट में सकते हो बट आप तो इस एज में भी आके मतलब काफ़ी अच्छा खासा कर रहे हो हाँ अभी मैं अपने आप को स्वीट फोर्टी बोलता हूँ <laughs> <laughs> नहीं पर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है आपने इतने टाइम से किया तो आपको क्या लगता है कि लॉन्ग रन के लिए सही है मतलब जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं आई एम sure श्योर जो ऑडियंस देख रही है वो बीस पच्चीस साल की उम्र के, के होगी तो चालीस साल में के कैसे आपको लगता है कि सही डिसीजन था आपको फोटोग्राफी करना का हाँ, कुछ और भी मुझे मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था और मैं काफ़ी खुश हूँ लेकिन यही है कि आप किसी भी सेगमेंट में है तो आपको सेगमेंट शिफ्ट करना होता है ऐसा नहीं कि आप एक ही सेगमेंट को लेकर पूरा लॉन्ग लॉन्ग लाइफ चल सकते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है अब जैसे मैं एक एक्शन एक्शन

मैंने ऑलमोस्ट इंडिया घूमा है केरल छोड़ के और ऑलमोस्ट इंडिया घूमने में मुझे एक भी रुपए नहीं लगे वो सब क्लाइंट की तरफ <laughs> सब क्लाइंट की तरफ से फाइव स्टार होटल में रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे आपने बहुत अच्छा फूड इन्जॉय किया है। मैंने सब कुछ किया है वो सिर्फ वेडिंग के थ्रू ही किया है और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोग आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं मैं तो खैर आउट ऑफ इंडिया भी गया नहीं हूँ लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन लोग प्री वेडिंग के लिए वो एक नॉर्मल आदमी कभी सपने में भी नहीं सो सकता है कि वो कभी दुबई जाए या यूके जाए यू एस जाए लेकिन लोग जा रहे हैं आज के डेट में वेडिंग शूटिंग के कारण तो ये चीज़ अच्छी है लेकिन वही है अगेन आप अपना फ्यूचर प्लान सेट करके रखिए फ्यूचर गोल सेट करके रखिए कि भाई एक टाइम के बाद आपके पास वेडिंग में शूट के अलावा भी दूसरा सेगमेंट होना चाहिए जैसे आपने अभी अपना मेंटोरशिप बना लिया दूसरा हाँ, फिर आप यूट्यूब कर रहे हो हाँ मतलब सबको एक चीज हाँ, वो, वो बैकअप पहले ढूंढना चाहिए Even उस पर थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहना चाहिए जैसे मान के चले आप पच्चीस साल के तीस साल के तो आपको इस सेकंड आपका पैसे इनकम ढूंढिए और उस पर थोड़ा थोड़ा वर्क करते जाइए डेली एक घंटा दो घंटा आपने देखा होगा मैंने यूट्यूब में पूरा फोकस नहीं किया अभी मैं कर रहा हूँ अभी आपको लग रहा है कि अब वो ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया अब वो टाइम आ, आ गया कि यहाँ से यहाँ स्विच कर लिया जाए अब लोग आपको फादर फिगर मानने लग गए <laughs> जी <laughs> तो बहुत मजा आया आपसे बात करके और आई थिंक इतनी सारी बातें मुझे खुद नहीं पता थी तो जो लोग देख रहे हैं उनको तो बहुत नई बातें कुछ पता लगी होंगी वेडिंग से लेकर प्लस जो वेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स तो मिली गई होंगी इसमें फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहोगे जो अभी नया नया फोटोग्राफर बनना चाह रहा है जिसने अभी पूरी किट लिया और वेडिंग स्टार्ट करना चाह रहा है मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आप आएँ और वेडिंग में आपका वेलकम है दूसरा चीज़ यह है कि वेडिंग में आने के बाद सबसे पहले आप अपने आप को अच्छा सेटअप करें क्योंकि सिर्फ अच्छा किट ले लेना सिर्फ अच्छी लाइट ले लेना अच्छे से सीख लेना इम्पोर्टेंट नहीं है ये तो है ही है ये तो ये ये तो कंपलसरी है लेकिन उसके अलावा अपने आप को मैनेज करना प्रेजेंट करना इस पर बहुत ज़्यादा वर्क आपको करना चाहिए कुछ और क्वेश्चन है सो मेरा क्वेश्चन है कि आप कई सारी वेडिंग्स में जाते हो ऑब्वियसली वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग रहते हैं जो फोटोग्राफर्स को बहुत इरीटेट करते हैं मतलब पोक करते रहते है हैं बार बार कि

या तो आप एक एक्स्ट्रा फोटो हम हम क्या करते हैं एक फोटोग्राफर लेके जाते हैं जिसको कुछ नहीं आता उसको बस एक कैमरा दे रखा है क्रॉप सेंसर नहीं उसको हम एक अच्छा कैमरा देते हैं जिसमें अच्छा। लंबा बड़ा सा लेंस लगा रहता है और उसको एक जैकेट भी देते हैं जिसके पीछे लिखे जिसके पीछे लिखे लिखा हुआ रहता है प्रोफेशनल कैंडिडेट फोटोग्राफर और <सुआना कुछ> <laughs> उसको आता कुछ नहीं उसको आता कुछ नहीं उसको हम कैमरा ऑटो मोड में दे देते हैं और उसको जो भी बोलता है क्योंकि उसके पीछे लिखा होता है

सो दैट इज़ इट गाइज़ आई होप आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगा हो बाकी अगर आपको इस पॉडकास्ट में कुछ भी अच्छा लगा तो यार मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड मैं सर uh, की लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको भी वेडिंग अपनी करवानी हो अगर आप किसी की शादी होने वाली हो डेफिनेटली मेक श्योर टू कनेक्ट विद राजा अवस्थी सर एंड इनके इंस्टाग्राम यूट्यूब बाकी हर जगह ये एक्टिव है तो इनके लिंक्स नीचे हैं आप चेकआउट कर लेना थैंक यू सो मच वॉचिंग गुड बाय थैंक यू